इस वीडियो में हम सिखाएंगे CRA मेथड के माध्यम से घटाव की संकल्पना को, और हम ठोस से अमूर्त चरण की ओर जाएंगे एक बहुत ही दिलचस्प, मजेदार और आनंदमय तरीके से। ये वीडियो पुनः समूहन के बिना और उसके साथ संख्याओं के घटाव के बारे में है। हमारा लक्ष्य वैचारिक स्पष्टता और प्रक्रियात्मक प्रवाह प्रदान करना है, इसलिए खेलें और सीखें, करें और समझें। NCERT द्वारा कक्षा 1 से 5 के छात्रों के लिए निर्धारित शिक्षण लक्ष्य निम्न अनुसार है। बच्चों को घटाव इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि वो दशमलव पद्धति और स्थानिक मूल्य की संकल्पनाओं को सही ढंग से नहीं समझे हैं। अगर वो ठीक से नहीं समझे तो घटाव हमेशा मुश्किल रहेगा। घटाव जब भी करना होता है तो हमें एक मात्रा में से घटाना शुरू करना होगा। तो इस तरह घटाव का शुरुआत करते हैं। अमूर्त चरण में घटाव 2 मात्राओं को दर्शाता है, लेकिन ठोस चरण में हम केवल 1 मात्रा का ही उपयोग करते हैं, अर्थात समान संख्या या किसी छोटी संख्या को दी गई संख्या से हटाने को घटाव कहा जाता है। जब हम घटाव सिखाते हैं तो ये जरूरी है कि हमें पता हो बच्चे संख्याओं की तुलना और स्थानिक मूल्य की पहचान कर सकते हैं या नहीं। पुनः समूहन विधि का उपयोग करके संख्याओं के घटाव के लिए स्थानिक मूल्य का ज्ञान होना आवश्यक है। घटाव की विधि को समझना और घटाव शुरू करने से पहले 10 के समूह बनाना भी महत्वपूर्ण है। हमें इस रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को घटाव सिखाना होगा। आइए अब इस अवधारणा को सिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाले TLM पर चर्चा करें।